नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा की आराधना के लिए दुर्गा सप्तशती के पाठ में क्या पढ़ा जाए, किस किस रूप से उनकी आराधना की जाए, यह आपको बता रही हूँ। नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा की आराधना करने के लिए दुर्गा सप्तशती के पहले देवी कवच, अर्गला स्त्रोत, कीलक स्त्रोत और रात्रि सुक्तम का पाठ किया जाता है। देवी कवच और अर्गला स्त्रोत का हिंदी अनुवाद और महत्व के वीडियो मैंने दो अलग से बनाए हुए हैं, जिनके लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी, आप उन्हें वहाँ से देखिए। इसके बाद कीलक स्त्रोत और रात्रि सुक्तम के पाठ किए जाते हैं, जो मैं हिंदी अनुवाद के साथ इस वीडियो में लेकर आई हूँ। साथ ही साथ में इन चारों का महत्व भी आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। माँ दुर्गा का पहला रूप होता है शैलपुत्री का। माँ दुर्गा की नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री स्वरूप की आराधना की जाती है। इनकी आराधना के लिए हम निम्न मंत्र का प्रयोग करते हैं। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकर शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधाराम शैलपुत्री यशस्विनी। नवरात्रि में माँ की उपासना करने के लिए दुर्गा सप्तशती के पाठ किए जाते हैं। माँ दुर्गा का पहला स्वरूप शैलपुत्री का है। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण माँ को शैलपुत्री कहा गया है। यह वृषभ पर आरूढ़, दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प धारण किए हुए है। इन्हें नवदुर्गा में प्रथम दुर्गा स्वरूप माना गया है। नवरात्रा पूजन में पहले दिन इन्हीं की पूजा होती है। पहले दिन की पूजा में अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करके योगी जन योग साधना शुरू करते हैं। माँ दुर्गा के दुर्गा सप्तशती पाठ करने से पहले एकम के दिन कुछ अन्य पाठ किए जाते हैं। सबसे पहले देवी कवच का पाठ किया जाता है, उसके बाद अर्गला स्त्रोत, फिर कीलक स्त्रोत और अंत में रात्रि सुक्तम का पाठ किया जाता है। देवी कवच का हिंदी अनुवाद सहित पाठ के लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है, जिसके लिंक को मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। दुर्गा कवच अपने चारों ओर नकारात्मकता को खत्म करने और माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कुछ शक्तिशाली मंत्रों का संग्रह है। यह किसी भी बुरी आत्मा से, व्याधियों से और शत्रुओं से रक्षा करने के लिए एक कवच के रूप में कार्य करता है। कवच का अर्थ होता है रक्षा करने वाला। इसके पाठ से आपके चारों ओर एक प्रकार का आवरण बन जाता है जो आपकी रक्षा करता है। देवी कवच के अंतर्गत हम माँ दुर्गा के विभिन्न नामों का उच्चारण करते हैं, जो हमारे इर्द गिर्द हमारे शरीर के चारों ओर एक कवच का निर्माण कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अर्गला स्त्रोत। अर्गला स्त्रोत का हिंदी अनुवाद पाठ मैंने एक अलग वीडियो में बना रखा है, जिसके लिंक को मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जिस पर क्लिक करके आप उसे सुन सकते हैं। अर्गला स्त्रोत का महत्व मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। दुर्गा सप्तशती में देवी कवच के बाद अर्गला स्त्रोत का पाठ करने का विधान है। अर्गला का अर्थ होता है अग्रणी या अगाड़ी, सबसे आगे रहना, विजयी होना, सफल होना। किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए आवश्यक है कि आप आगे बढ़कर अपना और दूसरों का मार्ग प्रशस्त करें। संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान देवी न करती हो। इसके बाद अब हम देखेंगे कीलक स्त्रोत। कीलक स्त्रोत का महत्व। दुर्गा सप्तशती में अर्गला स्त्रोत के बाद कीलक स्त्रोत का पाठ करने का विधान है। कीलक का अर्थ होता है कुंजी, चाबी, खूंटी, तंत्र, देवता या किसी के भी प्रभाव को नष्ट करने वाला मंत्र। देवी भगवती के अनेकानेक मंत्र हैं। श्री दुर्गा सप्तशती में भगवान शंकर ने समस्त देवी पाठ को ही कीलक कर दिया, यानी गुप्त कर दिया। इसको केवल माँ दुर्गा का भक्त ही जान सकता है। इसीलिए कहा गया है कि कीलक मंत्र को जानना चाहिए। देवी मंत्र का उच्च स्वर से पाठ करने से अधिक फल की प्राप्ति होती है। इसका अर्थ है कि मंत्रों का अधिक उच्चारण करोगे, जोर से उच्चारण करोगे तो योगिक क्रियाएं जागृत होगी, योग की तीनों अवस्थाओं को प्राप्त करोगे। आइए आप देखें कीलक स्त्रोत का हिंदी अनुवाद। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके तीन दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु है तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं,
उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अभी किलक है अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले श्राप रूपी किलक का जो निवारण करने वाले हैं उस सप्तशती स्त्रोत को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जाप में भी वह निरंतर लगा रहता है वह अभी कल्याण का भागी होता है। इसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल इस सप्तशती नामक स्त्रोत से ही देवी की स्तुति करते हैं उन्हें स्तुति मात से ही सचिदानंद स्वरूपिणी देवी सिद्ध हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र औषधि तथा अन्य कार्य किसी साधना के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती है। बिना जाप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त अविचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं उनकी संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती है। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं तब इनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है। लोगों की शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्त्रोत सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है। तदंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्त्रोत को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी कभी समाप्ति नहीं होती किंतु अन्य मंत्रों के जप जन्य पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की ही श्रेष्ठता का निर्णय किया उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाले पुरुष भी यदि सप्तशती के स्त्रोत और जप का अनुष्ठान कर ले तो वह भी पूर्ण रूप से कल्याण का भागी होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित्र होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व अब समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है उसी पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कील के द्वारा महादेव जी ने इस स्त्रोत को किलित कर रखा है। जो पूर्वोक्त रीति से निष्किलन करके इस सप्तशती स्त्रोत का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है। वही देवी का पार्षद होता है, वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता। वह अपमृत्यु के वश में नहीं पड़ता तथा देह त्यागने के अनंतर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः कीलन को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करे। जो ऐसा नहीं करता है उसका नाश हो जाता है। इसलिए कीलक और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्त्रोत निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्त्रोत का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इसे कल्याणमय स्त्रोत का सदा जप करना चाहिए। इस स्त्रोत का मंद स्वर से पाठ करने पर स्वल्प फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की सिद्धि होती है। अतः उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य सौभाग्य आरोग्य संपत्ति शत्रु नाश तथा परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है उन कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते हैं। इति देव्या कीलक स्त्रोतम संपूर्णम। आइए अब देखें रात्रि सूक्तम का महत्व। कीलक स्त्रोत के बाद रात्रि सूक्तम का पाठ करना उचित होता है। दुर्गा सप्तशती पाठ के आरंभ में रात्रि सूक्तम और अंत में दुर्गा सप्तशती के पाठ के बाद देवी सूक्त के पाठ का विधान है। रात्रि सूक्त भी दो प्रकार के हैं, वैदिक और तांत्रिक। वैदिक रात्रि सूक्त ऋग्वेद की 8 ऋचाएं हैं और तांत्रिक तो दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय में ही है। रात्रि देवी के प्रतिपादित सूत्र को रात्रि सूक्त कहते हैं। ऋग्वेद के दशम मंडल दशम अध्याय का 127वां सूक्त रात्रि सूक्त कहलाता है। इसमें 8 ऋचाएं पठित है जिनमें रात्रि देवी की महिमा का ज्ञान किया गया है। इस सूक्त में बताया गया है कि रात्रि देवी जगत के समस्त जीवों के शुभाशुभ कर्मों की साक्षी है और तदनुरूप फल प्रदान करती है। देखिए रात्रि सूक्तम का हिंदी अनुवाद। अथ वेदोक्तम रात्रि सूक्तम महत्वादि रूप व्यापक इंद्रियों से सब देशों में समस्त वस्तुओं को प्रकाशित करने वाली यह रात्रि रूपा देवी अपने उत्पन्न किए हुए जगत के जीवों के शुभाशुभ कर्मों के विशेष रूप से देखती है और उनके अनुरूप फल की व्यवस्था करने के लिए समस्त विभूतियों को धारण करती है। ये देवी अमर है
और संपूर्ण विश्व को नीचे फैलने वाली लता आदि को तथा ऊपर बढ़ने वाले वृक्षों को भी व्याप्त करके स्थित है। इतना ही नहीं, यह ज्ञानमयी ज्योति से जीवों के अज्ञानांधकार का नाश कर देती है। परा चिचिक्ति रूपा रात्रि देवी आकर अपनी बहन ब्रह्म विद्यामयी उषा देवी को प्रकट करती है, जिससे अविद्यामय अंधकार स्वतः नष्ट हो जाता है। वे रात्रि देवी इस समय मुझ पर प्रसन्न हो, जिनके आने पर हम लोग अपने घरों में सुख से सोते हैं, ठीक वैसे ही जैसे रात्रि के समय पक्षी वृक्षों पर बनाए हुए अपने घोंसलों में सुखपूर्वक शयन करते हैं। उस करुणामयी रात्रि देवी के अंक में संपूर्ण ग्रामवासी मनुष्य, पैरों से चलने वाले गाय घोड़े आदि पशु, पंखों से उड़ने वाले पक्षी एवं पतंग आदि, किसी प्रयोजन से यात्रा करने वाले पथिक और बाज आदि भी सुखपूर्वक सोते हैं। हे रात्रिमयी चिचिक्ति, तुम कृपा करके वासनामयी व्रकी तथा पापमय व्रक को हमसे अलग करो, काम आदि तस्कर समुदाय को भी दूर हटाओ, तदंतर हमारे लिए सुखपूर्वक तरने योग्य हो जाओ, मोक्षदायिनी एवं कल्याणकारी बन जाओ। हे उषा, हे रात्रि की अधिष्ठार्थी देवी, सब और फैला हुआ यह अज्ञान में काला अंधकार मेरे निकट आ पहुँचा है, तुम इसे ऋण की भांति दूर करो। जैसे धन देकर अपने भक्तों के ऋण दूर करती हो, उसी प्रकार ज्ञान देकर इस अज्ञान को भी हटा दो। हे रात्रि देवी, तुम दूध देने वाली गौ के समान हो, मैं तुम्हारे समीप आकर स्तुति आदि से तुम्हें अपने अनुकूल करता हूँ। परम व्योम स्वरूप परमात्मा की पुत्री, तुम्हारी कृपा से मैं काम आदि शत्रुओं को जीत चुका हूँ, तुम स्त्रोम की भांति मेरे इस हविष्य को ग्रहण करो। इति रात्रि सुक्तम संपूर्णम। माँ श्री दुर्गा सप्तशती के पहले दिन के सभी पाठ समाप्त हुए। श्री दुर्गा सप्तशती के दूसरे दिन के पाठ सुनने के लिए मेरा अगला वीडियो देखिए। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय माता दी, जय श्री कृष्ण। कोरोना वायरस से बचाव के लिए अपने घर में रहें और अकेले रहें, आइसोलेशन में रहें, बचाव ही जिंदगी है। जय श्री कृष्ण।